हेलो फ्रेंड्स, 5 नवंबर 2013 सुबह 9:50, ये वो दिन था जब इसरो ने मंगलयान मिशन लॉन्च किया। 2, 1, 0, 1, 2, और इसके 10 महीने 18 दिन बाद 23 सितंबर 2014 को मंगलयान मिशन मार्स के ऑर्बिट में सक्सेसफुली एंटर हुआ। और ये इसरो के लिए इतनी बड़ी सक्सेस थी कि हम दुनिया के पहले देश बने जो फर्स्ट अटेम्प्ट में ही मार्स पर पहुंचे, और यूएसए रशिया यूरोप के बाद फोर्थ कंट्री थे। इस मिशन की सबसे खास बात थी इसका बजट जस्ट 450 करोड़ था, जो यूएसए रशिया के बजट से बहुत कम था। एंड इसरो की ये अचीवमेंट कई देशों से देखी नहीं गई, और 28 सितंबर 2014 को न्यूयॉर्क टाइम्स ने ये कार्टून पोस्ट किया जिसमें एक इंडियन फार्मर गाय को लिए रॉयल स्पेस क्लब के दरवाजे खटखटा रहा है, जिसके अंदर कुछ लोग बैठकर इंडिया के बजट मार्स मिशन को पढ़ रहे हैं। बेसिकली ये कार्टून ये दर्शाता है कि अब गरीब इंडियंस भी स्पेस में जाएंगे। इसके पब्लिश होते ही इसे बहुत हेट मिला एंड न्यूयॉर्क टाइम्स को माफी मांगनी पड़ी। अब आते हैं करीब 4 हफ्ते पहले 4 जुलाई 2023 को, जब न्यूयॉर्क टाइम्स ने एक और आर्टिकल पब्लिश किया इंडियन स्पेस प्रोग्राम के बारे में। बट इस टाइम कहानी बहुत अलग थी। दी सरप्राइजिंग स्ट्राइवर इन द वर्ल्ड स्पेस बिजनेस। इसरो की कहानी शुरू से ही ऐसी नहीं थी। इंडियन स्पेस टेक्नोलॉजी ने कई मुश्किलों का सामना किया है। तो आइए आज की वीडियो में हम इंडियन स्पेस प्रोग्राम की जर्नी और इस कार्टून से इस आर्टिकल तक, यहाँ से साइकिल बैलगाड़ी से यहाँ तक कैसे पहुंचे, इसे समझते हैं। इस कहानी की शुरुआत होती है 1962 से, जब इंडियन प्राइम मिनिस्टर जवाहरलाल नेहरू इन कोस पर फॉर्म करते हैं इंडियन नेशनल कमिटी फॉर स्पेस रिसर्च, जिसे फिजिसिस्ट डॉक्टर विक्रम साराभाई लीड करेंगे। अब कमेटी तो बन गई, बट जरूरत थी उसमें काम करने वाले साइंटिस्ट की, इसलिए विक्रम साराभाई इन कोस्पर के लिए भर्ती करने लगे। आर अरवमुदन कहते हैं कि जो साइंटिस्ट स्पेस टेक्नोलॉजी में काम करना चाहते थे, उन्हें बिना किसी ढंग के इंटरव्यू रिक्रूटमेंट प्रोसेस के भर्ती किया गया। वो बताते हैं कि जो सबसे पहले साइंटिस्ट भर्ती हुए थे, वो मेरी तरह यंग एक्साइटेड लोग थे। शुरुआती दिनों में हमारे पास इतने अच्छे रिसोर्सेस और कोई ट्रेनिंग प्रोग्राम भी नहीं था, इसलिए विक्रम साराभाई ने नासा से कोलैबोरेशन करी और सभी साइंटिस्ट को ट्रेनिंग के लिए नासा भेजा गया। इस कोलैबोरेशन के तहत नासा ने इंडिया को एक रॉकेट भी सप्लाई दिया, बट उस रॉकेट को लॉन्च करने के लिए लॉन्चिंग पैड चाहिए था, और उस टाइम इतने कम रिसोर्सेस और कम टाइम में लॉन्चिंग पैड बनाना इतना भी इजी नहीं था। विक्रम साराभाई पैड बनाने के लिए ढंग की जगह ढूंढने लगे, और फाइनली उन्होंने ये जगह चुनी जो केरला के एक गांव थुम्बा में एक छोटी सी चर्च थी। विक्रम साराभाई और उनकी टीम रॉकेट लॉन्च करने की तैयारी करने लगे, वही रॉकेट जो उन्हें नासा ने दिया था। बट प्रॉब्लम यहीं खत्म नहीं होती, उस रॉकेट को लॉन्चिंग स्टेशन तक लेकर जाना था, बट उस टाइम छोटे से गांव में हमारे पास ट्रांसपोर्टेशन का कोई साधन नहीं था। और फिर हमने वही किया जो हर इंडियन करता है, जुगाड़ टेक्नोलॉजी। उस रॉकेट के पार्ट्स को साइकिल बैलगाड़ी पर असेंबल किया गया, और ये जो इमेज देख रहे हो ये वही इमेज है। एंड फाइनली इतनी सारी मुसीबतों के बावजूद 21 नवंबर 1963 को रॉकेट लॉन्च किया गया, और ये इंडिया के स्पेस जर्नी का पहला रॉकेट था। करीब 6 साल बाद इन कोस्पर रीब्रांडेड होकर इसरो बना। इसके बाद इसरो ने कई माइलस्टोन अचीव किए। साल 1975 में इंडिया ने अपना पहला सैटेलाइट आर्यभट्ट को सोवियत यूनियन के रॉकेट से लॉन्च करी। इसके 5 साल बाद इसरो ने अपनी सैटेलाइट अपने खुद के लॉन्च व्हीकल से लॉन्च करी, और इंडिया वर्ल्ड का 6th कंट्री बना जिसने खुद के लॉन्च व्हीकल से सैटेलाइट लॉन्च किया हो। हमने मंगलयान मिशन से मार्स के ऑर्बिट को भी टच किया, एंड हम
पहले देश बने जिसने फर्स्ट अटेम्प्ट में ही मार्स के ऑर्बिट को टच किया हो, वो भी बहुत लिमिटेड बजट में। इसरो ने कई रिकॉर्ड्स भी सेट करे। हमने 104 सैटेलाइट एक साथ लॉन्च करके वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया। 2008 में हमने चंद्रयान मिशन के थ्रू चांद पर पानी डिस्कवर किया और हम दुनिया के पहले देश बने जिसने चांद पर पानी डिस्कवर किया हो। बट 2019 में इसरो ने चंद्रयान 2 सक्सेसफुली लॉन्च किया, बट अनफॉर्चुनेटली कुछ सॉफ्टवेयर ग्लिच से ये मून के सरफेस पर ही क्रैश हो गया और ये इसरो के लिए सबसे मुश्किल समय था। बट हम सभी लोग, पूरा इंडिया इसरो के साथ खड़ा था और उसी सपोर्ट के चलते और पुरानी गलतियों से सीख कर फाइनली 14 जुलाई 2023 को दोपहर के 2:35 पर इसरो ने चंद्रयान 3 सक्सेसफुली लॉन्च किया। लिफ्ट ऑफ नॉर्मल। Here we have a majestic lift off of LVM3 M4 rocket carrying India's prestigious Chandrayaan 3 spacecraft. और इस बार हमारा मेन गोल ही सॉफ्ट लैंडिंग करना होने वाला है, जो लास्ट टाइम चंद्रयान 2 के वक्त हमने कोशिश किया मगर वो मिशन अनफॉर्चुनेटली फेल हो गया। इन सिंपल वर्ड्स, ये चंद्रयान 3 वो कंट्रोल तरीके से चांद पर लैंड करेगा कि इसके लैंडर्स को कोई डैमेज ना हो। अगर इसरो इस मिशन को सही से एग्जीक्यूट कर पाता है और चंद्रयान 3 लैंडर के जरिए मून के साउथ पोल की रिसर्च जल्द से जल्द शुरू हो जाती है, तो भारत वो पहला देश बन सकता है जो उस डेटा से अर्थ के जन्म होने की रियल स्टोरी प्रैक्टिकली प्रूव कर सकता है। एंड यू कांट इमेजिन कि अगर ऐसा हुआ तो ये इंडियंस के लिए कितने प्राउड की मूवमेंट होगी। इसरो की ये बहुत बड़ी अचीवमेंट होगी। आई होप कि ये मिशन सक्सेसफुली कम्प्लीट हो और इसरो नासा को टक्कर दे पाए। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो इसे लाइक एंड शेयर जरूर करना और आपको हमारा काम कैसा लगा नीचे कमेंट्स में जरूर बताना।